मायमंगल ने दीप प्रज्वलित किया, यह दीप प्रकाश की लौ हमेशा बिखेरता रहेगा और इसी स्मृति को याद करते हुए मैं अपने फील्ड महाप्रबंधक श्री ईश्वर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत संबोधन यहां प्रस्तुत करें। श्री ईश्वर सिंह जी, हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक श्री निर्मल चंद जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक श्रीमती संगीता त्रिहन चौहान जी, चंडीगढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रंजीव शर्मा जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ग्राहकगण, सेंट्रलाइट साथी, उनके परिवार के सदस्य, प्रेस मीडिया के बंधु एवं उपस्थित गणमान्य, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 106वें स्थापना दिवस पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे लिए यह हर्ष एवं गौरव का विषय है कि हरियाणा राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। हमें खुशी है कि सभी बैंकों की रेगुलेटरी अथॉरिटी भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री निर्मल चंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे ग्राहक और सेंट्रलाइज परिवार इस उत्सव में साक्षी और सहभागी हैं। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से तथा अपनी प्रिय संस्था की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। 21 दिसंबर 1911 को सर सोराबजी पोचकानवाला द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक है। इसका पूर्ण प्रबंधन शुरू से ही भारतीयों के हाथ में रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि आरंभ में सर सोराबजी पोचकानवाला लॉयड बैंक में लिपिक के रूप में कार्यरत थे। उस बैंक के नियमानुसार यदि कोई लिपिक लंदन से बैंकिंग की परीक्षा पास कर लेता था तो उसे ऑफिसर के रूप में प्रमोट कर दिया जाता था। सर सोराबजी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु मैनेजमेंट ने उन्हें इस कारण से ऑफिसर के रूप में प्रमोट करने से इनकार कर दिया कि वो भारतीय हैं। इस घटना से सर सोराबजी का भारतीय मन आहत हुआ और उन्होंने अपने राष्ट्र का अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने तुरंत लॉयड बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसी समय संकल्प लिया कि एक ऐसी बैंक की स्थापना करेंगे जो भारतीयों के स्वामित्व में हो, जिसके सभी कर्मचारी भारतीय हों और जो अपने देशवासियों की सेवा करेंगे। और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर अपने सपने को साकार किया, जिसमें वर्तमान में 4 करोड़ सम्मानित ग्राहक, 40,000 कर्मचारी एवं उनके परिवार मिलकर सेंट्रलाइट परिवार का निर्माण करते हैं। सर फिरोज शाह मेहता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम चेयरमैन थे। वो आजादी के आंदोलन से भी जुड़े एक प्रमुख नेता रहे हैं। बैंक के वर्तमान सीएमडी श्री राजीव ऋषि जी हैं, जो भारतीय बैंक संघ के भी अध्यक्ष हैं तथा वे चंडीगढ़ के निवासी हैं। वर्तमान में देश के सभी प्रदेशों और जिलों में लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक बैंक की कुल 4,736 शाखाएं कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SLBC कन्वीनर है तथा देश के कुल 48 जिलों में हमारे पास लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है।
बैंक का वर्तमान में कुल व्यवसाय 4,80,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 2,97,000 करोड़ रुपया जमा राशि एवं 1,83,000 करोड़ ऋण है। बैंक के चंडीगढ़ अंचल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ आते हैं, जिसमें कुल 365 शाखाएं कार्यरत हैं। हरियाणा में हमारे बैंक की 142 शाखाएं कार्यरत हैं तथा हरियाणा राज्य में हमारे बैंक का कुल कारोबार 10,800 करोड़ रुपए से अधिक है। संपूर्ण चंडीगढ़ जोन का कुल कारोबार 28,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग क्षेत्र में कई योजनाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है। इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा योजना, लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जिन्हें भारतीय बैंकिंग जगत में सबसे पहले सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया। वस्तुतः इन सभी के अतिरिक्त सेंट्रल बैंक को कई योजनाएं लागू करने का भी श्रेय है, जैसे कि सर्वप्रथम सेंट्रल बैंक द्वारा महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई एवं अलग से महिला विभाग खोलना, भारत की प्रथम कॉमर्स ग्रेजुएट सुश्री यास्मिन सर्वेयर को बैंक सेवा में नियुक्त करना, यात्री चेक का शुभारंभ, ये कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल बैंक के द्वारा शुरू की गई। पंजाब एवं हरियाणा में किसानों को फसल ऋण हेतु मंडी शाखा खोलना आदि, इसके मूल में भारतीयों की सेवा एकमात्र उद्देश्य रहा है। बैंक ने सदैव ही अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी की सामाजिक योजनाओं जैसे जनधन योजना, बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में चंडीगढ़ अंचल द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन किया गया है। जनधन योजना में चंडीगढ़ अंचल में 4,40,000 खाते खोले गए हैं तथा 3,30,000 रुपए कार्ड दिए गए हैं तथा 1,80,000 व्यक्तियों का प्रधानमंत्री बीमा योजना में पंजीकरण किया गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 14,000 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए के बैंक द्वारा ऋण वितरित किए गए हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में हमने कुल 6,400 करोड़ रुपए ऋण दिया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में 3,300 करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। सितंबर 2016 को समाप्त 6 महीने में हमारी सीडी रेशो 67% रहा है। जनधन योजना, बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि ऋण, उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, स्व नियोजन, कारोबार, उच्च शिक्षा आदि हेतु वित्तीय सहायता के क्षेत्र में बैंक द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। इसके साथ साथ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में भी बैंक ने समाज के जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित किया है। मुझे महामहिम को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के लगभग 70,000 वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। हाल के नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के दौर में भी बैंक द्वारा आम जनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप महानगर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्रता के साथ श्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराई गई है। बैंकिंग के वर्तमान दौर में कैशलेस बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एम पासबुक, यूपीआई, पॉस आदि के सघन प्रयोग को बढ़ावा दिया है तथा समय समय पर आम जन को सेमिनार, गोष्ठी, पंपलेट आदि के द्वारा वित्तीय साक्षर जागरूक बनाने का कार्य किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है तथा आम जनता, ग्राहक एवं सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप जन सेवा प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। मैं आप सभी का पुनः
हार्दिक स्वागत करते हुए सर्वोत्तम ग्राहक सेवा के साथ सभी नवीनतम बैंकिंग सेवा प्रदान करने का विश्वास दिलाता हूं। किसी भी बैंकिंग सहयोग हेतु हमारी प्रत्येक शाखा में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमारे फील्ड महाप्रबंधक ने बैंक अंचल के विषय में जानकारी प्रस्तुत की। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री निर्मल चंद जी से कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन दें। श्री निर्मल चंद जी। महामहिम हरियाणा राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर श्री ईश्वर सिंह जी, केंद्रीय कार्यालय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्रीमती संगीता त्रेहन चौहान, उप महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त व वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारी, मीडिया से आए हुए बंधु व अन्य अतिथिगण, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 106वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से और अपनी ओर से इस समारोह में सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथियों को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। किसी भी संस्था के लिए 105-6 साल काफी होते हैं। उस संस्था ने क्या किया है उसका विवरण अभी महाप्रबंधक श्री ईश्वर सिंह जी ने दिया। निश्चित रूप से वो सराहनीय है। एक प्रथम स्वदेशी बैंक होने का गौरव इस बैंक को हासिल है और अपना जो सहयोग दिया है भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, और विशेषकर मैं कहूंगा कि एक समावेशी विकास जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें जो योगदान रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और भी जो जितने हमारे बैंक हैं, तो निश्चित रूप से जो आज की स्थिति है और उस लक्ष्य को पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं, उसमें मैं समझता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विशेष योगदान रहा है। आपने अभी सुना कि इस छोटे से क्षेत्र में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विशेषकर जो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोलने हैं, तो मुझे याद है वो फिगर भी कि 4,40,000, और उसमें से जो रुपए कार्ड जो हम समझते हैं कि आज विमुद्रीकरण के समय में जो 3,30,000 ऐसे लोगों को आपने कार्ड बांटे हैं रुपए कार्ड, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस छोटे से इलाके के लिए। क्योंकि आज जब हम बातें करते हैं कि लेस कैश पहले हम हासिल करें और फिर हमें एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, वो है कैशलेस, और इस दिशा में मैं विशेषकर क्योंकि महामहिम जी यहां पर उपस्थित हैं, खासकर हरियाणा सरकार के
जो प्रयास है उसकी सराहना करता हूं कि एक फर्स्ट जो है कैशलेस स्टेट के रूप में आने की जो है पूरी प्रयास की जा रही है और आए दिन सरकार बैंकों के साथ मिलकर और जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मिलकर एक बहुत गहन चर्चाएं होती हैं और जैसे जो पोस्ट मशीन्स लगाई हैं हर जगह जगह और जिस तरह से बैंकों को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से मैं सरकार का भी बहुत बहुत सरकार की भी बहुत सराहना करता हूं कि सरकार और बैंक साथ मिलकर मैं सोचता हूं कि जो एक लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है निश्चित रूप से हम उसे पूरा कर पाएंगे। आज क्योंकि स्थापना दिवस है तो निश्चित रूप से ये खुशी का दिन है और मैं एक और चीज देखकर बहुत खुश हूं कि यहाँ पर सेवानिवृत्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे बहुत से साथी उपस्थित हैं। जब भी हम इस संस्था की बात कर रहे हैं कि 4,50,000 करोड़ से ज्यादा जो एक बिजनेस आज ये बैंक कर रहा है तो उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है जो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि एक यानी कि जो तालियां आप बजा चुके हैं तो निश्चित रूप से वो आज के इस जो सभा में एक विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से इस संस्था का नाम इतना ऊंचा है। और इस समारोह में एक और अच्छी बात मुझे देखने को मिली है कि जब हम समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो साथ में जो सबसे हमारे अहम जो भागीदार हैं वो होते हैं कस्टमर ग्राहक, आप उनको भी सम्मानित कर रहे हैं उनके विशेष योगदान के लिए। और जो भी ग्राहक यहाँ पर आज सम्मानित होंगे मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके अलावा क्योंकि संस्था में निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने की जरूरत है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाने की भी जरूरत है और वो कार्य भी आप कर रहे हो। आप कुछ एक चुनिंदा जो शाखा प्रबंधक है या दूसरे कर्मचारी हैं आप उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित कर रहे हो या उनको भी एक रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ। और इस सब के साथ जिस तरह से बैंक एक अग्रणी योगदान हमेशा बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा इस भारतवासियों को देता आ रहा है, मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते रहें। और जैसे मैंने कहा कि एक हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है समावेशी विकास, जो तभी पूरा होगा जब हम शहरों के साथ साथ खासकर सुदूर के गांवों में जाकर इस बैंकिंग जो बैंकिंग सेवा है उसको दें और वहां के लोगों को भी आगे ले आए, तभी ये समावेशी विकास संभव हो पाएगा। मैं आप सबको एक बार फिर इस 106वें इस दिवस पर सेंट्रल बैंक के स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। श्री निर्मल चंद जी, क्षेत्रीय निर्देशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्री ईश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ अंचल, श्रीमती संगीता प्रेम चौहान महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट, श्री रंजीव शर्मा जी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ क्षेत्र, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, वर्तमान में कार्यरत सभी महानुभाव,
ग्राहक गण और वो सभी प्रबंधक तथा उद्यमशील ग्राहक जिनको मुझे सम्मान करने का अवसर मिला है, पत्रकार बंधु, उपस्थित भाई और बहनों, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक सौ छठवां जन्मदिन है। ये बैंक अपनी उम्र के 105 वर्ष पूरे कर चुका है। ये खुशी का दिन है, खासकर बैंक के लिए और आमतौर पर हम सब के लिए, और इसलिए यहां हम सब का सम्मान नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सम्मान करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1911 में हुई, ये पहला भारतीय बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक यूनिट के रूप में प्रारंभ हुआ। और बैंक का जो इतिहास है, जो इसका काम है, जो सुनकर के हम सबको लगा है, इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो कर्मचारी नहीं है। तो कर्मचारी शब्द से पूरा अर्थ निकलता नहीं है। जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको आप सेवानिवृत्त कहते हैं, वो सेवा से च्युत हुआ है। तो जो काम करता है वो भी सेवा ही करता है, और इसके कर्मचारी और सेवावृत्ति इनमें बड़ा फर्क है। सेवावृत्ति शब्द आते ही, सेवा का भाव आते ही आदमी के अंदर स्वयं को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। आम जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति आपका डिवोशन उजागर होता है, और उसमें अधिकार का भाव नहीं होता, उसमें कर्तव्य का भाव होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 105 वर्ष के कार्यकाल में देश के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है सेवा का। मैं यहां पर बैठे सोच रहा था कि मैंने सबसे पहले अपना बैंक का खाता किस बैंक में खोला, तो मुझे ध्यान में आया कि जब मुझे बैंक में खाता खोलने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहला खाता मैंने सेंट्रल बैंक में खोला। आज सेंट्रल बैंक पूरे देश के अंदर 4,776 शाखाएं और 200 एक्सटेंशन इसको लेकर के जनता की सेवा कर रहा है। और अब तक शायद हमको समझ में नहीं आता कि बैंक का अपने जीवन में कितना महत्व है, बैंक जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंडिस्पेंसिबल है, कितनी अपरिहार्य है। ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद, विमुद्रीकरण होने के बाद हमको महत्व ध्यान में आया है कि बैंक का कितना महत्व है। आप 8 नवंबर से लेकर के सब कुछ भूल गए, सोते में ही आपको बैंक और एटीएम ध्यान में आता। यानी जीवन को चलाने के लिए, जीवन की सुख और सुविधा के लिए आज की समाज रचना में बैंक का कितना महत्व है। और सेंट्रल बैंक ने तो कमाल किया है, जो जीडीपी है ना, सकल घरेलू उत्पाद, बैंक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, 14.4।
मैं जब सर सौरभ जी भोजखाना वाला को जब फूल अर्पित कर रहा था, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, और जब मैंने उनके बारे में सुना तो मेरे ध्यान में आया कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए पहला कदम तो सर सौरभ जी ने उठाया। समस्त क्वालिफिकेशन, समस्त योग्यता प्राप्त करने के बाद, यहां तक बैंकिंग की ट्रेनिंग इंग्लैंड से प्राप्त करने के बाद, तब तो इंग्लैंड का साम्राज्य था, और उस समय इंग्लैंड होकर के कोई अगर आता था, इंग्लैंड रिटर्न ये बड़ी उपाधि मानी जाती, तो वो तो इंग्लैंड गए, बैंकिंग की परीक्षा पास की, और उसके पश्चात भी उनको अंग्रेजी बैंक व्यवस्था ने ऑफिसर नहीं बनाया, उनको प्रमोट नहीं किया। ये उनके ऊपर आघात नहीं था, ये राष्ट्रीयता के ऊपर आघात, राष्ट्र के स्वाभिमान पर आघात, राष्ट्र की आइडेंटिटी पर आघात था, और उन्होंने इसको सही नहीं लिया, उन्होंने इसका जवाब दिया, और वो जवाब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसलिए देश को स्वतंत्र कराने के जो प्रयास हुए हैं, जो 1857 से शुरू हुए, जो स्वतंत्रता की पहला संग्राम जो शुरू हुआ, हरियाणा तो उसके लिए प्रसिद्ध है, अंबाला तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो जो स्वतंत्रता का संग्राम 1857 का शुरू हुआ, बाद में और सब चीजें घटित होती चली गई, 1905 में बंग भंग भी हुआ, जो कूटनीति के तहत अंग्रेजों ने देश के अंदर किया, लेकिन सबसे पहली हार अंग्रेजों को इस बंग भंग को लेकर के माननी पड़ी, देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि 1911 में उनको वापस लेना पड़ा, बंग भंग का जो विरोध था। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसी आंदोलन के रूप में 1911 में इस बैंक की स्थापना हुई है, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बैंक ने अग्रणी होकर सरकार की जितनी योजनाओं हैं उसमें सक्रियता से भाग लिया है, क्या फिर वो जनधन योजना हो, जीवन ज्योति योजना हो, मौद्रिक योजना हो, जीवन बीमा सुरक्षा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, और अन्य भी अन्य बैंकिंग जो डिजिटल से संबंधित है, उन सबको लेकर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर जो सेवा का भाव है, उसके माध्यम से जनता के अंदर आपने एक बहुत बड़ी पैठ बनाई है, और जिस भाव को लेकर के सर सौरभ जी भोजखाना वाला ने ये बैंक स्थापित किया था, वो भाव, वो संस्कार, वो विचार, इसमें काम करने वाले सेवावृत्ति पूरी तरह से निभा रहे हैं। जब किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हमें याद करते हैं कि ये वर्ष हमारे जो बीत गए हैं वो कैसे बीते हैं और आगे कैसे बिताना है, ये संकल्प का दिन होता है, ज्यादा भाषण करने का दिन नहीं होता है। और अभी जो 12 हमने शाखा प्रबंधकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया है, तो मैं सम्मानित करते समय सोच रहा था कि जो उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा है, इसमें इनका योगदान ज्यादा है कि उस क्षेत्र के ग्राहकों का ज्यादा है, क्योंकि उत्कृष्ट सेवा के लिए जिनको सम्मानित किया है उसके जो पैरामीटर है वो तो ग्राहकों के ऊपर निर्भर करते हैं, कितना पैसा जमा हुआ, कितने लोगों को आपने लोन दिया, और लोन देने के पश्चात लोगों ने कितना लोन रिटर्न किया, क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपी, वो भी तो एक पैमाना है ना, कि आप लोन दे ही रहे हैं कि वापस भी आ रहा है, तो सारी चीजें तो निर्भर करती है ग्राहकों पर। और इसलिए आपको उत्कृष्ट सेवा के लिए जो हम सम्मानित कर रहे हैं, तो आपको निमित्त मान करके हम उन ग्राहकों को सम्मानित कर रहे हैं जो उसके पर, और इसलिए इन ग्राहकों के माध्यम से
आज की 21वीं शताब्दी में जो बैंकिंग का रोल है उस रोल को आप पूरी तरह से प्रमाणित करेंगे, ये संकल्प लें और राष्ट्रीयता साहिबान अपने देश की पहचान इसको बचाए रखने के लिए उसके सम्मान के लिए सर सौरभ जी पोस्ट खाना वाला ने जो ये प्रयास प्रारंभ किया था उसमें कोई कमी न आने पाए, इन्हीं शब्दों के साथ आज इस 106वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको